आप सभी का अपनी YouTube चैनल। जैसा कि आज के इस वीडियो में आप देख चुके होंगे, थंबनेल देख करके आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग सीखेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये होता क्या है और इसको पढ़ना जरूरी क्यों। सबसे पहले बात तो ये टॉपिक इंट्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का है। देखिए, ये क्लास ट्वेल्थ में 2 नंबर का आता है और इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कुल आपको पता होना चाहिए। 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और एक दिया गया सेंटेंस आपका पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो चेंज ही होता है, बल्कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह और दूसरे रूल्स भी लगने लगते हैं। तो हम आज वही सेंटेंस सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो देखिए कौन से वो सेंटेंस है। सेंटेंस जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और जिसको आता होगा वो आंसर करेगा। आंसर करने का सभी को मौका मिलेगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख रहे हैं आप लोग चाहो तो उनको भी शेयर कर दो ताकि सब लोग आए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं और क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस देखिए क्या है, जैसे कि इसमें लिखा है ब्रेड एंड बटर आर द बेस्ट थिंग्स फॉर द बेटर। देखिए, इसमें अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको सारे सेंटेंसेस का रूल बता दूं तो ये काफी डिफिकल्ट होगा फॉर यू, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या कि मैं आपको सारे रूल्स ना बता करके डायरेक्ट एरर बता रहा हूँ कि कहाँ पर इसमें गलती, दिए गए सेंटेंस में कैसे करेक्ट होगा। यदि आ जाए तो अच्छी बात, ना आ जाए तो आप कॉपी पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा ठीक अच्छे से, क्योंकि मैं वही सेंटेंस लिख रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेंटेंस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस लिखा ब्रेड एंड बटर आर द बेस्ट थिंग ऑफ द फॉर द ब्रेकफास्ट। देखिए, वैसे एंड से जुड़ा हुआ कंजंक्शन है तो होता ये है कि ये दो चीजें हो जाती है, बल्कि ये दो नहीं होती, एक ही होती है। इस वजह से आर ना लग करके क्या लग जाएगा, इज। वैसे एंड से कोई चीज ज्यादातर जुड़ी होती तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जब भी दूसरा सेंटेंस, अच्छा ये सब लोगों को आई गया, कोई दिक्कत नहीं, जो सेंटेंस हो सेंटेंस नंबर आपको कमेंट कैसे करना है, जैसे 2 नंबर हमने लिखा उसमें डायरेक्ट लिखिए 2 नंबर में कि जो भी गलती हो आपको आ रहा हो डायरेक्ट वो लिख दीजिए। पूरा सेंटेंस लिखने में आप समय ना बर्बाद करें, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे जिसको आ रहा हो सेंटेंस नंबर 2 में। पहले आप जल्दी से सोचिए और आंसर करो। ठीक, जैसे हम बताएंगे आपको आंसर बता रहे आप भी बताते चलो। ठीक, कमेंट बॉक्स में चलो अच्छा करो आंसर, सभी लोग नहीं लोग सही कर पा रहे। ठीक है, तो जो लोग पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में या कैसे भी, तो वो तो आंसर कर पाएंगे। ठीक, जो लोग नहीं पढ़े वो भैया जरा ध्यान से देख लेना। ठीक, बोर्ड पर ये आपके लिए जरूरी, मैंने वही सेंटेंस लिखा। तो जैसे कि इसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है देखिए, तो नाइदर ऑफ देम वर टू बी ट्रस्टेड। तो जब भी एक रूल होता है आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, नाइदर आइदर के साथ ऑफ लगाओ और नाइदर के साथ ऑफ लगाओ, तब एक रूल होता है कि इनके साथ जो आने वाला प्रोनाउन होता है वो तो प्लूरल हो जाता है बट इनकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपकी सिंगुलर होती है। तो वर के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, वाज का। इस दर के लिए किसी कोई समस्या हो तो बता दो। देखो, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ के साथ जब भी जुड़ता है तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, इस तरीके से आपको कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट है जैसे कि द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर कैटल है, ये हमेशा एकवचन नहीं होता है, ये नाउन से रिलेटेड, ये पता दो में आता है, एक तो ये नाउन की गलती बताते हैं और दूसरी एरर बताते हैं कि नहीं ये वर्ब, तो ये दोनों में आप देख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैटल दिया, इसमें एस नहीं लगता, जब नाउन में एरर होगा तो एस लग जाएगा, और वैसे वर्ब की एरर पूछता है तो ये कहता है कि देखिए यहाँ पे इस लगा हुआ है, ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो कैटल मीन्स होता है मवेशी, मवेशी जो होते हैं वो सभी होते हैं, जैसे कि भैंस, बकरी, गाय। ठीक, ये सभी लोग हो गए, ये सभी जितने भी जानवर हो गए आपके, ये सारे कैटल होते हैं। तो इसमें एस ना लगा करके बहुवचन नहीं बनाया जाता, और ये वैसा होता बहुवचन, तो इस हट जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा हाँ। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, सभी लोग अच्छे से कमेंट भी करते थे। ठीक, अच्छी बात, चल आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा बताओ, इसमें अगला सेंटेंस में आपका जैसा कि लिखा हुआ द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। तो सिंस यस्टरडे लिखा, आप यहाँ पर गलती ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढोगे गलती बताओ। अच्छा, सिंस या फॉर, याद करिए जरा, सिंस या फॉर ऐसे कुछ दिया जाता तो क्या करते हैं, कौन सा टेंस होता है, हो सकता है टेंस की एरर हो। जल्दी से देखो, सब लोग आंसर करो, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, जल्दी करिए, सभी को आंसर इसका करना है। ठीक, देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाए, जल्दी करो भाई। अगर ये आ जाए तो इसके आगे वाला देखो, पहले थोड़ा बहुत आपको भी मौका दिया जाए, है बात की नहीं। ठीक, बिल्कुल जरूर, चलिए सभी लोग करिए आंसर भाई, करो 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 आंसर करो भाई। ठीक, चलिए, तो सेंटेंस नंबर जैसा कि तीसरा सभी को समझ में आया, जहां तक समझ में आया तो जल्दी बताओ, अगर ना आया तो भी बताओ, आ रहा है ना, क्लियर है सभी को। अच्छा, दिख रहा है, पहले बच्चों ये भी कमेंट कर दो जरा, आप लोगों को क्लियर वीडियो दिख रहा है या नहीं, कंप्लीटली ना दिख रहा हो तो बताओ, ना दिख रहा हो तो बताओ, कमेंट करिए।
आ रहा हो तो अच्छी बात, ना आ रहा हो तो आप बताइए, मैं बता दूं। अगर ये वाला सेंटेंस आ गया हो आपको, स्कूल क्लोज्ड वाला, तो पांचवें नंबर का अच्छा हो रहा है इनसे। पहले आप ही लोगों से थोड़ा सा पूछ लें, देखते हैं पांचवें का आंसर कितने लोगों का करेक्ट आता है। मैं कमेंट ही देख रहा हूँ तभी मैं इधर आ गया सही से। हाँ चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक हाँ चलिए सही है, सभी का सही है आंसर। चलिए करते रहिए आंसर, और वीडियो को देखो लास्ट तक आपको रहना, देखना इसमें कितने अच्छे अच्छे आपको रूल्स में बता देता हूँ। ठीक देखिए, तो अगला सेंटेंस जैसे आपके सामने ये लिखा था कि द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, तो आप मिला लीजिए, अगर मेरे वाले से मिल रहा आपका तो सही। यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, सिंस या फॉर होता तो हैज या हैव बीन का होता है, तो स्कूल है एक वचन है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, हैज बीन। अब देखो मैंने हैज बीन लगाया, हैव बीन भी लग सकता है ठीक, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे दिया गया, तो अब बताओ तो सही सही से आया क्रिया कितनी इसको मतलब साइक्लिया इसमें लग सकती, तो हैज भी लगेगा, हैव भी लगेगा या है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ मैंने ये लगा दिए, अब इनमें से अभी भी आपको ढूंढना है, ढूंढना आप ही को। देखिए ये तीन है पेपर में, अब अच्छा करेक्ट बता दो, अब इससे ज्यादा हिंट कोई नहीं दे पाएगा। ठीक साफ सीधी बात, अब वर्ब में आईएनजी क्यों नहीं लगी तो मैं आपको बता दूं, पैसिव में होता सेंटेंस तो इस तरीके से बनता। अब बताओ इसमें क्या रहता है, स्कूल हैज बीन क्लोज सिंस यस्टरडे, द स्कूल हैज बीन क्लोज या है। ठीक चलिए ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे है तो पास्ट टेंस की बात हो जाती है, ठीक पास्ट टेंस की, तो यहाँ पर आप हैज हटा करके क्या लगा सकते हो, है, तो पास्ट टेंस तभी बनेगा जब भी यस्टरडे होता तो है। अब बुद्धिमान लोग ऊपर वाले में दिमाग लगा सकते हो, आप तब समझ गए होंगे ठीक कौन सा लगेगा। अब बिल्कुल आपको हम पकी पकाई खेल देते हो ऐसा भी नहीं, ठीक चलिए ही है। अब फिर भी किसी को ना कर दो कमेंट हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे दिया गया था, यहाँ पर हैज के स्थान पर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रामू इज इल फॉर द लास्ट थ्री डेज, फॉर भी लगा हुआ है, लास्ट थ्री डेज भी है, क्या हो जाएगा, हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा, जल्दी बताइए, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। आप जाहिर सी बात तो सब लोग बता देंगे कि रामू सिंगुलर है सर, हैज बीन ही होगा, चिल्ला ना रहे बोल तुम्हें ना, चलिए हैज बीन होगा अच्छी बात है। तो सेंटेंस नंबर तीन तक हम बता चुके हैं, देख लेंगे शाम को मिल जाएगा ठीक। तो सेंटेंस नंबर चार से देखो, जब भी किसी सेंटेंस में इस तरीके से दिया जाए, यस्टरडे वगैरह दिया जाए, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, तो सिंस तो दिया गया है तो सिंस के साथ यस्टरडे, यानी जब भी सिंस फॉर आता है तो टेंस तुम्हारे वो वाले हो जाते हैं, लास्ट के नहीं होते। कौन कौन से देखो वो लोग अलग ही कुछ काम करते, देख लो भाई बोर्ड पे देखो यार, तो जब लास्ट के तो हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग होता है, स्कूल एक वचन है, तो इस वजह से इसमें क्या लग जाएगा, हैज Has been closed since yesterday. अगला वाला सेंटेंस देखो, जब भी कभी यस्टरडे दिया जाए तो कोशिश ये की जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी को लगाया जाता है, अगर ये लग जाए आसानी से, तो अगर सिंस फॉर दे दिया गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हैज बीन लगा, यहाँ पे एक साइक्री और लग सकती है, हैड बीन और लग सकता है, तो द स्कूल हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे वो भी सही, लेकिन मोस्ट सुटेबल हैड बीन वाला, ठीक हैड बीन, क्योंकि हैड जो लगेगा वो पास्ट टेंस और यस्टरडे जो होता है वो बीता हुआ होता है, इस वजह से। अब अगले वाले सेंटेंस में देखो, इसमें कहीं सेंस ऑफ फॉर तो दिया ही नहीं गया, दिया गया नहीं, तो सिर्फ यस्टरडे दिया गया, तो यानी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अगर ये दिए गए सेंटेंस पांच नंबर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, तो हैज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही फेमस सेंटेंस, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जरा देखो इसमें करेक्शन बताओ। अच्छा तुमने सब कोई बताया इसमें क्या सही होगा, जूनियर के बाद में क्या लग जाएगा, देन के स्थान पे क्या लगेगा, अच्छा देन लगा रहेगा क्या, नहीं देन हट जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, टू, अच्छा हिम लगा रहेगा क्या, नहीं हिम का सब्जेक्टिव कैसे लगता है, यानी कर्ता का है, ये ऑब्जेक्ट में तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है बताओ, अच्छा ही, तो यहाँ पर हिम भी कटेगा और उसमें क्या लगेगा, अब ये पूर्ण रूप से क्या है, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, तो दिए गए सेंटेंस में देखो हैव लगा है सही, रिटर्न दिया गया दिस लेटर, इस पत्र को लिखा लास्ट इवनिंग, यानी पिछली शाम को लिखा है, तो यानी टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, लास्ट यस्टरडे ये सारे शब्द आ जाते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता, तो लास्ट की वजह से पता है नहीं लिखा लास्ट, लास्ट की वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या हटाना पड़ेगा और क्या क्या जोड़े बताओ, है बता दे सही है, और क्या करें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो रिटर्न भी हट जाएगा यहाँ से, क्या लिख जाएगा यहाँ पर, ये इसमें बात सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो सही है, नेक्स्ट है ही वाज एंग्री अपॉन मी, एंग्री के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो एंग्री के साथ आपने देखा होगा जब पर्सन होता है तो भी आती है, जब भी तुम्हें किसी कभी भी पेपर में
पानी रखा पानी दो। देखो एंग्री के साथ में क्या आएगा, यहाँ पर हिट आएगा फिर पोजीशन, ठीक। और पान हटाए यहाँ पर क्या लग जाएगा फिर, तो ही वाज एंग्री विद मी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो ये देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि ये तो हाई स्कूल वाला है, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ पढ़े हो तो शौकीन होता है इसका मतलब। आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले नहीं होगा हमेशा, याद रखो इस तरीके से प्रीपोजिशन कतई नहीं आती, आपको गलती इन्हीं जगह ढूंढनी होती। तो टू के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, किसी का नहीं, ऑफ तो लगा ही, मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, बस आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरीके से अच्छा अगला सेंटेंस हम लोग करके बताओ जरा, आई एम फॉन्ड ऑफ टू टीच, आई एम फॉन्ड ऑफ टू टीच द स्टूडेंट्स, इसकी गलती बताओगी तुम कविता, बताओ। अच्छा इसको कैसे सेंड, इसको कैसे सेंड करोगे, आई एम फॉन्ड ऑफ जब भी तुमको पढ़ाया गया इट इज मी लिखा मिलता था वहां पर आई कर देते थे, फिर इसके बाद में हु के बाद में यहाँ पर क्या होगा बताओ, बताओ एम होगा भाई, इज हट जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा एम। अच्छा ये जो साइक्री आती है वो अकॉर्डिंग टू दिस इसके हिसाब से आती है, ठीक है, आई दिया गया इसके। अच्छा इट इज ही भी होता है, कभी पढ़े नहीं होगे लेकिन होता है, इट इज ही दिया गया तो यहाँ पे ऐसा क्या है, हाँ तो ये जाएगा बस। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, प्रिवेंशन इज गुड देन क्योर, तो गुड आया वो देन आया, देन कब लगता है कंपेरेटिव डिग्री में किसका यूज किया जाता है, देन, तो देन तो यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर डिग्री गलत है, तो बताओ अच्छा यहाँ पर क्या होगा, तो गुड के स्थान पर क्या होगा बेटर, तो गुड ना लग करके यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटर, यहाँ तक सभी को सही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये होता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सभी को बताना है, सभी को इसलिए बताना है क्योंकि ये हाई स्कूल का सेंटेंस छोटी क्लास, तो इसको सेंटेंस को करेक्ट करना, हालांकि बहुत सारे लोगों को याद है, याद है जैसे तुमने बता दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले क्या नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, पक्का दा लगता नहीं ना क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इस वजह से इसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक शर्त ऐसी होती जब इसको करते भी, जब विशेष रूप से ईमानदारी होती, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा तुम्हारे सामने ऑनेस्टी ऑफ राम, अभी शायद टेस्ट में आया था तुम लोगों के, ऑनेस्टी ऑफ राम क्या है, कैन नॉट बी डाउटेड, देखो यही होगा सेंटेंस, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, तो देखो यहाँ पर ऑनेस्टी के पहले हम द हटवा रहे हैं, तो कह रहे हैं आर्टिकल हटा दो क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में द का प्रयोग नहीं होगा, ये नॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब विशेष रूप से किसी की ईमानदारी हो जाए यानी ऑफ से जुड़ जाती तो आर्टिकल क्या हो जाता लग भी जाता, तो बताओ ऑनेस्टी से लग भी रहती है, तो द ऑनेस्टी ऑफ राम विशेष रूप से राम की ईमानदारी की बात है, हाँ ऐसे ही मटेरियल नाउन में भी होता है, जैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखा है कि द गोल्ड, जैसे हमने तुम्हारे सामने ये लिखा एग्जाम्पल कि द गोल्ड is a heavy metal, the gold is a heavy metal, तो बताओ इसमें क्या गलती, gold के पहले material noun है, तुम सही बता रहे हो बिल्कुल, तो gold के पहले article था क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक। अगर ये है हम ऐसे बोले gold of my ring, ring is costly, the gold of my ring is costly, इसमें क्या होगा, इसमें द लग जाएगा क्योंकि अभी ये विशेष रूप से किसकी अंगूठी का सोना बता रहे ना उसे, तो यहाँ पर दाग भी हो जाएगा ये होता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है, आई एम शॉर्ट इन मनी, इसका आंसर बताओ, आई एम शॉर्ट इन मनी, कुछ देखा देखा सा है, सही भी किया वैसे, हाँ शॉर्ट के बाद में प्रीपोजिशन से रिलेटेड गलती थी, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ दो सेंटेंस यानी कि देखा जाए, एक ये सेंटेंस हमने सही कराया, यहाँ से टू हटाया प्रीपोजिशन, एंग्री के बाद में प्रीपोजिशन क्या आती है विद जब पर्सन आता है, और एक ये बताया कि शॉर्ट के बाद में क्या लग रहा है ऑफ, और अफ्रेड के बाद भी प्रीपोजिशन क्या आती है ऑफ आती, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं है होगा क्या होगा ऑफ, यहाँ तक की क्लास थी, ठीक। कुछ कुछ समझ में आया होगा, जिसको उतारना उतार दो, जिसको स्क्रीन शॉट लेना वो स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट इंग्लैंड, इस तरीके से अगर लिखा हो तो दो रूल हो जाते हैं,
तो जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा हो तो एक होता है वचन और एक होता है एकवचन। जैसे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड लिखा है, तो दिए गए सेंटेंस में भारत की जलवायु की तुलना हो रही है इंग्लैंड की जलवायु से, और इस सेंटेंस में ऐसे बता रहा है कि भारत की जो जलवायु है उसकी डायरेक्ट किससे तुलना हो रही है इंग्लैंड, ये गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन लगा करके देन इंग्लैंड को हटाना पड़ेगा, और देन दैट ऑफ इंग्लैंड ऐसे लिखना पड़ेगा, देन दैट ऑफ इंग्लैंड, ये है रूल इसका। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता बधाई देना, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के लिए। मान लो जैसे कि तुम्हारे ट्वेल्थ में ज़्यादा नंबर आए तो लोग तुम्हें बधाई देंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो होता है जो कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है किसी, तो उसमें प्रीपोजिशन जो होती है वो फॉर नहीं मिलती, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन माने पर योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर मैं तुम्हें क्या देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है द गोल्ड इज हैवियर देन मेटल, हैवियर मेटल देन आयरन, द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। देखिए हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट डिग्री तो सही लगी, इसका मतलब इसमें देन का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री लगी, देन का प्रयोग ये भी सही है, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी दिया गया सेंटेंस हो तो उसमें तुम क्या कर दो सीधे टू लगा दो, वो कुछ शब्द अलग ही होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है जूनियर सीनियर इंफीरियर प्रिफर प्रिफरेबल, ये जो शब्द दिए जाते हैं जूनियर सीनियर इंफीरियर प्रिफर और प्रिफरेबल, इन शब्दों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का, देन के स्थान पर किसका यूज किया जाता है, टू का। बाकी जो भी शब्द रहते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जहां देन लगा उसको हटाया नहीं जाता, टू का प्रयोग। तो गोल्ड जो है वो कौन सा नाउन है हमारा, मटेरियल नाउन, यही इसका तर्क है, यही रीजन है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन होता भी है। अभी मैंने आपको बताया सेंटेंस नंबर कितना था, शायद ऐसे कुछ देखो उसमें कितना नंबर था सेंटेंस, देखो पता नहीं। तो गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, डेथ इज प्रिफरेबल, नेक्स्ट सेंटेंस है 3 नंबर, डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर, इसकी हिंदी होती है अपमान से अच्छा है क्या, अपमान से अच्छा क्या है, तो लोग नहीं कहते तुम अपमान मतलब सह लोगे या तुम्हें मृत्यु मंजूर है, तो जो लोग वैसे होते हैं जो बेइज्जती नहीं सह सकते हैं वो मरना ही पसंद करते हैं, तो लोग फांसी नहीं लगा देते कमेंट्स में। तो प्रिफरेबल, अभी हमने ये रूल लिखे जूनियर सीनियर इंफीरियर प्रिफर और प्रिफरेबल, इनके बाद में प्रीपोजिशन क्या है, ये दैन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों, इन दोनों में क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, ऐसे बताया जाता है, तो यहाँ से बैन हट जाएगा, क्या लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, करेक्ट कर सकते हैं कुछ लाइन बताओ, सन के पहले क्या लग जाएगा, यानी जब कोई बात यूनिक होती है जो एक हो इस संसार में, ये हो अद्वितीय हो, उसके जैसा कोई ना हो, जैसे सूरज है एक है, अच्छा चांद के पहले क्या लगेगा, चांद के पहले लगेगा, क्योंकि चांद भी तो क्या ही है, चांद की इंग्लिश क्या होती है, लेकिन बादल तमाम होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स आकाश में बादल तमाम होते हैं, अच्छा अर्थ के पहले बताओ, अच्छा अर्थ एक बार अर्थ के पहले लगेगा ना, अर्थ के पहले पहले बता देते भैया तुम थोड़ा और तेज तेज बोले ना, चलिए तो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सन के पहले क्या लग गया था, तो देखे ना बंद हो जाते बता देना, ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे, रिटर्न्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, बैक का, तो ये बैक हटा देना यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही वापस लौटना होता है इसका मतलब, तो वापस और वापस दो बार हिंदी में अर्थ निकलेगा, इसकी वजह से बैक हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओगी एरर, तुम कविता, कविता बता चुके किस वाली, तुम बताओ, हाँ इस वाले में 21 नंबर, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देन के स्थान पर एक टी वो लगेगा, टू, ये नहीं शब्द हमने लिख रखे हैं साइड में, ये वहाँ पे नोट कर लेना अच्छे से, तुम लोग देन की जगह क्या लग जाएगा, टू, ठीक सही। अच्छा ये सेंटेंस देखो, पेपर में इतना आया था सिर्फ इतना, सन 2020 वाले में शायद आया, और ही इज एन यूरोपियन, वो एक यूरोपियन है, नॉट अ एशियन इसमें लिखा हुआ, तो वो एशियन नहीं यूरोपियन है, तो दिए गए सेंटेंस में दो जगह गलती है, पता है,
इसमें एन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा ए यूरोपियन सही, और आगे लिखा नॉट ए एशियन और इसमें लगेगा एन एशियन। ठीक, नेक्स्ट अगला सेंटेंस, ये रिपीट हो गया, मैं लग रहा क्या गोल्ड के पहले मटेरियल नाउन है, नॉर्मली जब इस तरीके से आता तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और अगर ये ऑफ से जुड़ जाए कुछ तब फिर उसके पहले दा का प्रयोग हो जाएगा। देखो मोहन एंड राम कितने लोग हैं, दो लोग, तो सही क्रिया हैव सही है ना भाई, एक होता तो हैज होता, दो होता तो सही। ठीक, अच्छा हिज बुक्स, मोहन और राम दोनों ने अपनी किताबें खोदी, तो यस सर, तो यहाँ पर हिज ना होकर के क्या हो जाएगा डियर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये आया आपके पेपर में, मोर यू हैव मोर यू कोविड, जितना ये लिखा पाते हो उतना ये लिखा करने लगे, क्या हो जाएगा द मोर यू हैव द मोर यू कोविड, अब सही है ना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। जय हिंद, जय भारत, बोल दिया, कोई बात नहीं, जय हिंद।